अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं NN TV पर। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत आज की तारीख में फारिस कादरी हमारे साथ लाइव है। कुछ जनता के सवालों की भी जवाब देंगे और कुछ अपने मन की बात बताएंगे। फारिस कादरी साहब, NN TV पर आपका बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, फारिस कादरी। फारिस कादरी साहब, 19 मई को एक आपके साथ हादसा हुआ, उसके बारे में कुछ हमारी जनता को, व्यूवर्स को बताइए। मेरा कॉल गया था इम्तियाज जलील MP औरंगाबाद MIM पार्टी से। ये मेरा क्वेश्चन MP से नहीं था, मेरा क्वेश्चन था MIM पार्टी मेंबर से। अच्छा, कि असदुद्दीन अवैसी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, मेरा सवाल थे, कुछ हिसाब पूछना था उनसे। मैंने सर से उनके पार्टी के मेंबर होने के खातिर मैंने उनसे कॉल किया और उनसे पूछा कि सर फोन नहीं उठा रहे, और उनका रिप्लाई ये था कि तुम लगड़ने वाले कीड़े से टपोरी लैंग्वेज में एक MP जवाब देते कि अब तुमको नागपुर से घसीट कर औरंगाबाद लेकर आऊँगा। और इस तरीके की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसके बाद में मेरे घर पर में 1 बजे के करीब अटैक हुआ, 4-5 गुंडे इनके आए थे, घर पर अटैक हुआ। तो इसके बाद में आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया, मतलब कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेंट? सबसे पहली बात तो जिस टाइम अटैक था मैं यहाँ पर था ही। अच्छा, अपने दूसरे घर पर था ताजाबाद में, यहाँ से जो 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पर मैं था। मैं उसके बाद में मेरे भाई की तरफ से 100 नंबर पे कॉल किया था कि हथियारबंद गुंडे घर पे अटैक करें। पुलिस वहाँ पर में हाफ आवर तक, मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन से मेरे को फोन आता है कि आप सर बुला रहे हैं, आप आइए। मैं गया पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में मेरे कंप्लेंट लिखाना था इम्तियाज जलील के ऊपर में और बाकी लोगों के ऊपर। मेरी कंप्लेंट तो लिए नहीं उन्होंने, बट मेरे को वहाँ पर 8 घंटा रुकाया गया, जिसके अंदर में मेरे से पूरा क्वेश्चनिंग हुआ कि आप क्यों करें, क्या करें। पूरा पुलिस ने अच्छा सपोर्ट किया वहाँ पर में, जितने नीचे कांस्टेबल PSI सर थे, काफ़ी सपोर्ट हुआ पुलिस की तरफ से। बट सीनियर अधिकारी जो थे वहाँ पर में, उनका काम था उस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज करने का। जब एक चीज़ पे एक सोशल एक्टिविस्ट पे इस तरीके का हमला हो रहा, मेरा संवैधानिक राइट है क्वेश्चन पूछना, और आपका काम है उस चीज़ का जवाब देना, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जी हाँ, जैसा हमने अभी आपका वो वॉइस कॉल रिकॉर्ड जब अपने फेसबुक पेज पर डाला था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने मिले कि जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी ने भी ये कहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब अकबरुद्दीन अवैसी बोलते हैं कि राम की माँ और गाय, ये लैंग्वेज अच्छी लगती है लोगों को, और इम्तियाज जलील जब बोलते हैं कि लगड़ने वाले कीड़े, मतलब पब्लिक जो उनको चुन के ला रहे हैं, वो लगड़ने वाले कीड़े पैरों से लगड़ते हैं, उनका लैंग्वेज अच्छा लग रहा और फारिस कादरी का लैंग्वेज खराब, ये गलत बात है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे इंसिडेंस में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ कोई और जुड़ा है? काफ़ी लोग सपोर्ट करे XYZ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे एरिया के लोगों का, सबसे पहले हमारे घर वालों का, और हमारे एरिया के लोग काफ़ी सपोर्ट करे उस टाइम पे, कंधे से कंधा मिला के रुके। फिर हमारे भाई लोग आए MDP पार्टी से, ये लोग भी वहाँ पर में अवेलेबल थे। कौन सी पार्टी से? MDP पार्टी से। MDP पार्टी से ये लोग भी थे, ताज के लंगर वाले भी वहाँ पर में अवेलेबल थे, ये भी एक सोशल वर्कर लोग। काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी फोन और काफ़ी सपोर्ट आया। सपोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, सपोर्ट सिर्फ जो है पब्लिक ने किया, और पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ MDT सामने आए थे जो पूरा कानूनी कार्रवाई में मेरा साथ दिए लास्ट तक। अच्छा, तो ये भाई लोगों ने जो आपके साथ में बैठे हैं, इन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल ये है फारिस कादरी साहब के, फारिस कादरी साहब के 19 मई का जो आपका हादसा हुआ, तो इसके बाद में आपने मतलब कुछ डेपोटेशन किसी को दिया? मैंने DCP सर भी अवेलेबल थे वहाँ पर में, जिस दिन मैं थाने में गया था, उनका काम था इस चीज़ की कंप्लेंट लेना, दर्ज करने का काम था, बट वो नहीं हुआ। मैं CP सर को भी लेटर डाला हूँ, हमने CM सर को भी, होम मिनिस्टर साहब को, DG महाराष्ट्र, और मैं कंप्लेंट की इसमें अपील दिया। गवर्नमेंट का काम है उस चीज़ के ऊपर में सख्त से सख्त इंक्वायरी करना। अपन इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर में सवाल पूछने का राइट है। अगर सवाल पूछने पे अटैक हो रहे हैं तो ये गलत बात है, पुलिस का काम है इस पर एक्शन लेना। और बल्डी पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जो यहाँ से मेरे एरिया के तो नहीं है, जब मैं बाहर था, जब इंसिडेंट हुआ, मैं जब घर अपने वापस पहुँचा, रास्ते में बल्डी पुलिस ऑफिसर मुझे मिले, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने उनको पूरा बताया, तो फिर उस टाइम पे वो बोले कि हम छोड़ देते साथ में, बट मैं जैसा जैसा वहाँ से आया, बाद में वो लोग आए और काफ़ी हेल्प करे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में कांस्टेबल, PSI, ये रैंक के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया,
और कमिश्नर सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन ले। अच्छा, सुनने में यह आया कि आप कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, तो कलेक्टर ऑफिस आपके साथ किसने कंधे से कंधा मिला कि कौन आपके साथ कलेक्टर ऑफिस गया था? एमडीपी पार्टी कलेक्टर काफी लोग थे सपोर्ट में ऑल ओवर इंडिया से। बाकी जो मेरा साथ जो दिया वो जनता थी, पब्लिक, आम लोग अपना काम छोड़कर में उस चीज पे कंधे से कंधा मिलाकर में पूरा आए और सपोर्ट पूरा किए। अच्छा, आपने कलेक्टर साहब के अलावा कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हमारा एक नेक्स्ट सवाल ये है के असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इन पर एक सवाल आपने जो उठाया है, तो इसका रिस्पांस असद साहब की तरफ से आपको किस तरीके से मिला? असदुद्दीन अवैसी सर को मैंने कॉल किया था, तकरीबन 20 मिनट बात हुई, उन्होंने वो बार बार एक ही बात बोले कि आप दारुसलाम आइए। मैंने बोला एक्सेप्टेड साहब, मैं दारुसलाम आता हूँ, आप मीडिया के सामने लाइव इंटरव्यू में मेरे उस चीज़ का जवाब दो, या आप मीडिया के सामने उस चीज़ का जवाब दो जो मेरे सवाल आते हैं, जो मेरे क्वेश्चन है उस पर सवाल आप जवाब दीजिए। बट वो अभी तक की तारीख भी नहीं दी है। उसके बाद में असदुद्दीन अवैसी, मैंने एक मंथ तक की रिकॉर्डिंग वायरल नहीं किया। मैं बोला बड़े आदमी है, बिजी हो गए। उनका मैसेज आता है, मैं आपको मैसेज बताता हूँ, उन्होंने घर पर में मेरे को इनवाइट करे उसके बाद कि आप घर पर आइए। मैंने बोला कि घर पर नहीं आ रहा हूँ सर मैं, आप दारुसलाम में बुलाइए। अच्छा, असद साहब ने आपको घर पर इनवाइट किए? असद साहब ने, उसका प्रूफ है मेरे पास में, स्क्रीनशॉट में आपको भी बता दूंगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा कि जैसा बार बार उस रिकॉर्डिंग को जैसा हमने सुना, तो बार बार आप असद साहब से कह रहे थे कि आप मुझे डेट बताइए, तो असद साहब सिर्फ यही कह रहे थे कि आप हैदराबाद आइए। गलत है आप, असदुद्दीन अवैसी सर खुद बोले कि मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपको तारीख, लेकिन डेट नहीं दे रहे थे ना आपको? लेकिन वो डेट नहीं दे रहे थे ना, वही तो हम कह रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि आप हैदराबाद आइए, ऐसा नहीं बोले साहब, दारुसलाम आइए आपको कह रहे थे ना, लेकिन डेट नहीं दे रहे थे ना? अभी तक की उनकी डेट आई, जब तेलंगाना के अंदर में मेरे को 50% प्लस पब्लिक सुन रहा और काफी लोग वहां पर एक्टिव रह रहे, इस चीज को समझ रहे, जो आज मेरा साथ दे रहे वो पब्लिक दे रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रहे। तो उनका काम है इस चीज का जवाब देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, पूरे हिंदुस्तान के कौम के रहनुमा उनको बोलते हैं एमआईएम पार्टी के लोग। तो उनके घर पे जो जो इंसिडेंट हुआ, उनके हैदराबाद में जो जो इंसिडेंट होते हैं, मैंने उस पर सवाल किया कि मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं आप उस्मान नगर के इशू पे खामोश, आप सेग्रेटेड की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, चार मीनार की मस्जिद पे खामोश, सैकड़ों मस्जिद गैर आबाद, आपको बाबरी मस्जिद पे आवाज उठाया, आप बाकी मस्जिद के आपके प्यार नहीं है क्यों? ये सवाल मैंने उठाया। आप बोलते बड़े की कलेजी खाओ मुसलमानों, हेड स्पीच आप देते, वो लैंग्वेज लोगों को अच्छी लगती, और पारिस कादरी की लैंग्वेज खराब लग रही है, गलत बात है। अच्छा, जिस तरीके से हमने वो रिकॉर्डिंग आपकी सुनी है, तो उसमें असद साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस रिकॉर्डिंग को आपने नहीं डालना, और आपका कहना ये आ रहा है कि आपने एक महीने तक वो रिकॉर्डिंग को होल्ड रखा? एक से डेढ़ मंथ के अंदर तक के मैंने होल्ड करा उसको। अच्छा, मतलब जब आपने रिकॉर्डिंग करे तुरंत दो चार दिन के अंदर में आपने नहीं डाले, क्योंकि जो व्यूअर्स है उनको ऐसा लग रहा था कि भाई आपने रिकॉर्डिंग की और दो से चार दिन के अंदर में डाल दिए, तो ये क्लियरिफिकेशन आपकी तरफ से अच्छा आ रहा है कि आपने एक से डेढ़ महीना उस रिकॉर्डिंग को होल्ड पर रखा। होल्ड सिर्फ इसलिए किया मैंने क्योंकि हम हक पे, पारिस कादरी जो बोलता हक का सवाल, अगर असदुद्दीन अवैसी सर हक पर रहते तो उनका काम था तारीख देते थे मेरे को, लेकिन उन्होंने, मैं सोचा बड़े आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिजी होंगे, मेरे को 50% पब्लिक तेलंगाना के अंदर सुन रहे, जो पसंद कर रहे, जो लाइक कर रहे, खैर वो उनका भी सवाल है, वो तो उस पे जवाब नहीं दे रहे, तो ये उनकी नाकामी है, मतलब वो गलत है कई हद तक। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि ये इस तरीके के जो कॉल आप करना चालू किए प्रशासन को, नेताओं को, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट कॉल किसको गया था? मैं बिहार इलेक्शन के टाइम सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट कॉल यहाँ पे लोकल लीडर को जाता था कि जो भी पेंडिंग काम रहते थे कि वो क्यों नहीं हुआ, वो मैं उनको बोलता था कि आप कॉल करो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाला। मैंने रिकॉर्डिंग फर्स्ट अहमद पाशा कादरी, सेक्रेटरी एमआईएम पार्टी हैदराबाद, उनको कॉल किया था, बिहार इलेक्शन की मुबारकबाद दिया था कि आपने। अच्छा, ये एमएलए भी है हैदराबाद से, अहमद पाशा कादरी को आपने फर्स्ट कॉल किया था, तो ये हैदराबाद में कहाँ से एमएलए है? याकूतपुरा से। अच्छा, उसके बाद में मतलब जैसा कई व्यूअर्स जो है, जैसा हमने कमेंट्स पढ़ते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी वालों को कॉल करो, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आपने पीएमओ ऑफिस तक कॉल किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बीजेपी को कम से कम 30 से प्लस फोन, एमआईएम से ज्यादा मैंने बीजेपी को 30 प्लस कॉल है बीजेपी को, आप चेक करिए उसमें। डॉक्टर सुभाष मुंबई वाइस बीजेपी के प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट है, बीजेपी के एमपी है, और रमेश भिदोरी दिल्ली एमपी है,
पीएम ऑफिस को 2 बार कॉल किया मैंने, अमित शाह ऑफिस को 2 बार कॉल किया मैंने, अमित शाह सर को भी कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करे। अच्छा, नागपुर विकास शंकर राव कुंभारे, डीजी उत्तर प्रदेश, एसएसपी गाजियाबाद, तकरीबन बीजेपी के उसमें काफी रिकॉर्डिंग है। अगर वो आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, आप लोग MIM का देख के टारगेट कर रहे हो कि पारिस कादरी बीजेपी को कॉल नहीं किया। आप सर्च करिए उसमें पारिस कादरी कॉल वर्सेस बीजेपी, आप सर्च करिए उसमें, आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपने, हमने भी एक सुना था एक रिकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस ऑफिसर को भी आपने फोन किया था, कोई बच्ची का कुछ, बच्ची के साथ शायद गलत हुआ था कुछ। वो नरसिंह आनंद जो है, सरस्वती के उस पे मैंने कॉल किया था डीजी उत्तर प्रदेश को कि आपकी पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब मैं अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर में एक्शन नहीं लिया, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट बीजेपी यही चाह रही है कि देश में हिंदू मुसलमान चलते रहे और लोग उस चीज में ही उलझते रहे कि हिंदू को ये बोले, मुसलमान को वो बोले। डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर में कोई बात नहीं करता। आज के हमारे देश के अंदर में पेट्रोल प्राइस 100 रुपये हो गया। आज आप राशन का रेट देखो, खाने का तेल 2500 रुपए, 2500, इस पे बात नहीं होती है हमारे देश के अंदर में। और ये सवाल करने वालों के घर पे अटैक होता है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही। अच्छा, आपका नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप सिंपल यही है साहब, मैं तो अभी इनके RTI की फाइल करने वालों, अगर पब्लिक जनता सपोर्ट करेगी तो आगे आगे इनसे सवाल करेगी। और वही एक सवाल का ट्रेंड, क्योंकि हमारे इंडिया में सवाल का ट्रेंड नहीं है, पब्लिक सवाल नहीं करते, वोट डाल के इनको छोड़ देते हैं। आप इनसे 5 साल तक के काम लो, ये पब्लिक सर्वेंट है, 135 करोड़ जनता राजा है इंडिया की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप जो MDP का जो फुल फॉर्म है वो भी हम हमारे दर्शकों को बताते हैं, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी फारिस कादरी के कदम से कदम मिलाकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, MDP पार्टी जो है मेरा मतलब के जो सियासी नहीं, ये जो इंसिडेंस हुआ, आप सुनिए ना पहले सर जी, लीगल कार्रवाई के अंदर में फुल सपोर्ट करें, लीगल कार्रवाई लीगल, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं जो था पुलिस स्टेशन के अंदर में कार्रवाई नहीं हो रही, कलेक्टर ऑफिस, मैंने ये मेरे पास में आए और इन्होंने कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करे, पूरा बोले कि हम लीगल कार्रवाई तक के आपका सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरे को सिर्फ आप लीगल कार्रवाई तक के आपका सपोर्ट चाहिए। और मेरे को जो सपोर्ट है वो जनता का है और हमारे लोगों का है कि पब्लिक इस चीज को समझना, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ तो जनता का काम है इस चीज को सपोर्ट करना। बिल्कुल, अगर पारिस कादरी को पॉलिटिकल इशू में जाना रहता तो पारिस कादरी सिंपल है सर, कोई भी पार्टी आज मैं चूज कर लेता। आज मेरे को कांग्रेस से आ रहा है, बीजेपी, हर पार्टी से मेरे को पारिस कादरी बोल रहे ज्वाइंट हो जाओ, लेकिन पारिस कादरी को सियासत में नहीं जाना है। अच्छा। पारिस कादरी जब सियासत में जाएगा, जब उसको लगेगा कि XYZ हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का सिस्टम पूरा 99.9% करप्शन चल रहा है, आज उस चीज को सुधारना है। मेरा आम आदमी का खिताब इसलिए है पारिस कादरी, अभी आम आदमी इसलिए हूँ मैं क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है सिर्फ आम आदमी लड़ सकता। आज सब अपनी रोटियां सेकते हैं, सिंपल है। आज अपोजिशन ये कुछ कर रहा है, अपोजिशन बोलता है, अपोजिशन कुछ करता है तो गवर्नमेंट कुछ बोलता है, लेकिन आम आदमी की आवाज़ तो वही दब जा रही ना सर। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, प्रोटेस्ट 0 पेट्रोल प्राइस, बिल्कुल सही। आप राशन पे रेट देखो, डेवलपमेंट देखो, गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखो। पारिस कादरी का भी इंटरव्यू मत लो आप लोग, आप लोग जाके न्यूज मीडिया से, मेरी रिक्वेस्ट है गोदी मीडिया जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप लोग पहले गवर्नमेंट स्कूल जाओ, सलम एरियाओं में जाओ, आप लोग उनका इंटरव्यू लो। आप लोगों को भी मीडिया को भी TRP के लिए सिंपल है कि बस जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके लिए बेसिक्स प्रॉब्लम देखो। जो है हमारा मीडिया बोले तो देश का चौथा स्तंभ है, उनका काम है सच्चाई बताने का। आप लोग बस ये जाते हैं असस्ता मिर्ची मसाला सिंपल ले लेते हैं। आप आज घर पे अटैक हुआ, आप लोगों का काम था पुलिस का इंटरव्यू लेना था, आप तहसील पुलिस स्टेशन जाके जज भंडारकर सर का इंटरव्यू लो कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी अभी तक के। नागपुर CP का इंटरव्यू लो आप, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और आप MDP की तरफ से सैयद रमीश साहब जी, आपका स्वागत है। आपको ऐसा कब लगा कि आपको फारिस कादरी की मदद करना चाहिए या आपकी टीम को? देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, और ऑल इंडिया लेवल का हम लोग का काम होता है, तो इसमें हम लोग का एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो इसमें जितने भी लोगों के साथ में ज्यादतियां जुल्म होती है,
खासतौर पे, और ये जिस तरीके से देखा जाए MIM पार्टी का जो आया सामने, जो नया प्रकरण सामने आया फारिस कादरी, ये महज इनकी एज जो है 21 साल की उम्र है, और माशाल्लाह इतनी उम्र में इन्होंने बहुत जोरदार काम किया, हम लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया इसको। और असल में हमने तो ये चीज का अफसोस है कि हमने ये प्रकरण के पहले इनसे आके मुलाकात करनी चाहिए। अच्छा, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पे काम करते हैं, और हम लोग खुद ये सब होने के बाद हम लोग के सामने सब चीजें आई जब 19 तारीख को, तो हम लोग इनके लिए खुद आके हम लोगों ने इनको बोले कि भैया हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा मसला है करके। ये इनके घर पे हमला हुआ, एक बहुत शर्मनाक चीज है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको पीपल इलेक्ट करके देती है, पब्लिक इलेक्ट करके देती है, तो आम जनता का ये हक है, ये राइट है कि वो आप सवाल कर सके, और इनका कोई सवाल में कोई गलती नहीं थी, इन्होंने अपने एक नाम नागरिक होने का हक अदा किया जो कि हमने अदा करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं करते। इन्होंने डायरेक्ट फोन करके कई लोगों से कई सवाल किए, और मैंने एक्चुअली मैं इनको काफी पहले से तो फॉलो नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने अभी अभी रिसेंटली इनके जो है वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे, काफी अच्छे तरीके से सवाल करते हैं, और सिर्फ इम्तियाज अली नहीं, बीजेपी और दीगर पार्टीज के लोगों को भी इन्होंने सवाल किए, तो इनके ऊपर जो हमला हुआ, प्रकरण हुआ, उसके ऊपर हम लोग खुद आए सपोर्ट के लिए आएंगे कि ये सब गलत हुआ, क्योंकि हम लोग का पार्टी का नाम ही डेमोक्रेटिक पार्टी जी, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेसी के ऊपर जब जब हमला होगा तो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी, हम आके इसको फ्रंट पे लीड करें, उसके ऊपर में काम करें। और आपका इरादा कब तक इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है? देखिए, बात असल ये होती है कि हम भी इनको कई नेशनल मूवमेंट जो है, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कई बड़े पत्रकार भी इनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जिस दिन से हम लोग से कॉन्टेक्ट में आए 19 तारीख को इनके ऊपर में हमला हुआ इनके घर पे, और 20 तारीख को हमको ये सारी चीज़ें पता चली, और 20 से 21 तारीख को गालिबन हम लोग इनके कॉन्टेक्ट में आए, तो जब से हम लोगों को ये चीज़ें पता चली तो हम पता चला कि इनको काफ़ी लोग जो है बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक का भी सपोर्ट है, कई तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इनको सारी चीज़ें बताया कि भैया ऐसा ऐसा मसला है करके, उन्होंने खुद बोले कि रमेश भाई आप लोग जो है आपका मूवमेंट अच्छा है, हम लोग देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से नागपुर में आप लोगों की एक्टिविटीज़, तो इनका कहना था कि भैया आप आइए इसको लीड करिए करके, और जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।